बम 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 संपूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ हम चल पड़े सिद्धेश्वर धाम जारा की ओर। सुबह की पहली किरण के साथ राजधानी के व्यस्ततम मार्गों को निहारते हुए और प्रकृति के छटा के दर्शन करते हमारी तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई। सीधे और सधे हुए धार्मिक विचारधाराओं के साथ हमने शुरू की तीर्थ यात्रा सिद्धेश्वर धाम जारा की। रायपुर से बलौदा बाजार मार्ग पर स्थित है खरोरा और खरोरा से कटी है एक मार्ग ग्राम संडी के लिए, जो गई है सीधे ग्राम जारा, जहां पर विराजमान है भोलेनाथ जी का विशालतम शिवलिंग। यह रायपुर से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कच्ची मार्ग से चलकर हम पहुंच गए ग्राम जारा। गांव की छोटी मोटी गलियों को पार कर हम पहुंच गए सीधे सिद्धेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए। गाँव के मध्य में बनी सिद्धेश्वर शिवलिंग का विशाल मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर है। बुजुर्गों का कहना है कि यह मंदिर आदिकाल से निर्मित है। कहते हैं कि यह शिवलिंग गांव में बनी हुई कूड़ादान से प्रकट हुआ है और इसकी आराधना करने के लिए लोगों के द्वारा कूड़ेदान की जगह को मंदिर का रूप दिया गया। वह भी मंदिर कैसा, खदर से बनी थी इसकी छत और बांसों की डगान से बनी हुई थी दीवार। परत संग मर घटिया मा लगाए बैठे गांजा के दम। मंदिर बना तो अभी 10-12 साल हो रहा, बना निर्माण हुआ उसके पहले। इसका निर्माण नहीं हुआ था, उसको खदर में छुआया था झोपड़ी नुमा। माटी में चंदा जटा में गंगा नाग गले के माला, नाग गले के माला सोने नाग गले के माला। अंग भभूति राखी लछुपरे पहिरे बगंबर छाला, पहिरे बगंबर छाला, पहिरे बगंबर छाला। अलक निरंजन यो घड़ियाना, अलक निरंजन यो घड़िया जिला देख डराए जम। झोपड़ी में एक बार आग भी लग गया था, जिसके प्रभाव से इस शिवलिंग में एक बड़ा सा दरार आ गया, जिसे आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, जो धीरे धीरे बाद में भरता चला गया। जब ये है छपरी से, तब हमारे मन की पैदाइश नहीं हुई, यानी 60-70 साल की पहली बात है। एक बाद माँ आग लग गई से सुने रहे, पूर्वज मन बताए रही से, और आग लग गई ना तो उमर इमा कुछ प्रभावित पड़ी सुई मूर्ति दरार रही से, तो बहुत ज़्यादा दरार रही। आगे वालों बोल बम बोल बम, पीछे वालों बोल बम बोल बम, आगे वालों बोलो बोल बम बोल बम, पीछे वालों अरे बोल बम। धीरे धीरे इसे मंदिर के रूप में तब्दील किया गया। इसके निर्माण में जारा की मालगुजार रही सुरजी बाई अग्रवाल का बहुत ही अहम भूमिका रही है। सुरजी बाई अग्रवाल जी रही से तेन हाँ तो मंदिर के एहल बने पत्थर उत्थर लान के। सुरजी बाई यहाँ के अब मालगुजारे है। धीरे धीरे इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दराज तक विख्यात होने लगी और समय बीतते ही चला गया। समय के साथ साथ यहाँ पर भगवान शिव जी की आराधना कर भजन भी गाया जाने लगा। लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर भव्य मेला का आयोजन भी किया जाता है।
कदम। हर गांव दूर दराज से दर्शनार्थी यहां पर आते हैं और भगवान सिद्धेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कहते ये भी हैं कि लोग जो मनसा इस मंदिर में मांगते हैं वह जरूर पूरा होता है। तो 50 साल से तो हम देखा था कि पहले झोपड़ी के नमूना में रही से पत्थर के, बाद में फिर यहाँ रामायण भी होत रही से, तो रामायण होत रही से ना, तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर जांगड़े रही से वो रामायण के प्रथा ला बंद करके यज्ञ की शुरुआत करिस, यज्ञ की शुरुआत करिस ना, तो फिर यहाँ शिव यज्ञ शुरू हो गए, प्रारंभ हो गए। वो 30 साल से प्रारंभ हुई, ओकर बाद डॉक्टर जांगड़े के यहाँ ट्रांसफर हो गए। ओकर बाद जो हमारे यहाँ दाऊ जी है संतोष कुमार अग्रवाल, वो फिर समिति के अध्यक्ष बनीस, वो फिर मंदिर के निर्माण करे शुरू करी। तो मंदिर के निर्माण करत में भी हमला 14-15 साल लग गए। तो ये साल ऐसे कलश वलश की स्थापना हुई और वो दिन से आज तक के मेला अच्छा से लगा आवा थे, मेला दिनों दिन बढ़त चले जाते हैं। सावन महीना में भी बहुत दर्शनार्थी आते हैं, ओकर खाना पीना की भी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क होते हैं दाऊ जी के द्वारा। और वैसे हाँ वैसे तो हमारे गाँव में अभी तक के बड़ा शांतिपूर्वक चला थे। खौरा में एक ऐसे आदमी था सोनी जी, वो उसका बच्चा नहीं हो रहा था, वो जब यहाँ से यज्ञ में बैठा ना, उसके दूसरा साल यानी साल भर के अंदर में उसका एक बच्चा भी आ गया है। हाँ मान्यता है, वैसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ और अपनी जो इच्छा है पूरा करके जाते हैं, साल भर के अंदर में बराबर साल दो साल में पूरा हो जाता है। सिद्धेश्वर महादेव की जय। किसान तो धान बोलिए, उसके बाद बोर बारी वाले तो रोपण लगा लिए, ऐसा प्रकृति का ऐसा देन हो गया तो एकदम सूखा और एकदम धूप में व्यस्त हो गए, धान के पौधा सूखने लगे। उस समय हम लोग बहुत त्रस्त थे किसान आम जनता। उसके बाद हम लोग निज दिन हमेशा यहाँ संध्या आरती करते हैं और आरती करने के बाद स्तुति करते हैं। स्तुति के माहौल में हमको भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन दिए। कैसा दर्शन? सिर पर बाल आ गए, ऐसा हिलाया और ऐसा हलोरा। तारीख 30 पड़ा था और 30 तारीख के रात को बादल आया, सुबह से पानी बरसना शुरू हो। जय हो, मन में श्रद्धा लेकर आते जो भी बाबा धाम को, हाथ में लिए पान सुपारी मुख से जपते नाम को, कम भोला इच्छा पूरा करते बन जाता सब काम। आगे वालों बोल बम बोल बम, पीछे वालों बोल बम बोल बम, आगे वालों बोलो बोल बम बोल बम, पीछे वालों बोल बम। इस वर्ष मंदिर के निर्माण पूर्ण होने पर यहाँ भव्य कलश स्थापना का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 31/7/2010 से लेकर 2/8/2010 तक चलेगा। 65 डिसमिल हमारे हस्पिटल जी के नाम में मंदिर में वो जमीन दे चुके हैं और वही एक जगह के प्रॉब्लम के नाम लेके भोलेनाथ के आशीर्वाद के ऐसे महू एम के जमीन लक्ष्मण के प्यारा में जाग बनाए हैं और प्रेम से हवा वहीं रिथम है। बहुत पुराना मंदिर ही है गांव के और आसपास के आस्था के केंद्र ये है और बहुत पहली बहुत छोटे से मंदिर से हमारी जानकारी में पढ़ाई लिखाई ये हुए गांव में और पहली तो ऐसे रही इसकी छोटे से एकदम छड़ वाला दरवाजा रही से जिमें बड़ा झुक के जाल पड़े और दर्शन में बड़ा तकलीफ हुआ और बहुत छोटे से साकुर गली रही से और एक जन गोपाल वर्मा करके नाम रही से ओकर से फिर मंदिर समिति जगह खरीदीस और जगह खरीद के बाद जगह बड़े करेगीस आना जाना जिमें सुलभ हुए और अभी वर्तमान में सहस्राम साहू की जगह अभी मंदिर समिति खरीदी से वो मंदिर तो ज्योतिर्लिंग है ऐसे बताते हैं यहाँ घुरुआ से निकले हुए ज्योतिर्लिंग है
और बड़ा ही शानदार मंदिर यहाँ बने हैं, कांच के मंदिर के साथ साथ इस साल कलश स्थापना भी होना है। अभी 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हवे। सिद्धेश्वर महादेव के जो शिवलिंग है वो 2 भाग में पहली फट गिरी से, और आज के समय में धीरे धीरे मुदावत वह बिल्कुल पूर्ण रूपेण शिवलिंग बन चुके हैं। और बड़ा ही शिवरात्रि में यहाँ जबरदस्त कार्यक्रम होते, कम से कम 30 साल हो गए, आसपास के जितका भी गांव वासी है, नज़दीक से लेकर दूरिया तक के सब आते, वो अपन अपन मन से मंदिर में सब सहयोग करे हैं, गाँव से लेकर बाहर गाँव से जितका भी जेकर आस्था है, हर तरह के सहयोग मंदिर निर्माण में मिले हैं। और गाँव वाला मन के एक संकल्प रही कि सुंदर और अच्छा मंदिर बनाए, बोले सबके प्रयास से ये पूरा किए। कहते उनका बेड़ा पार है। एहे, शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, शिव की महिमा पार है। ओम नमः शिवाय जो कहते उनका बेड़ा पार है। सेवा कर लो, भक्ति कर लो, आ जाओ पर्यटन मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल द्वारा जब यहाँ पर एक बार आया गया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा छोट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि यहाँ पर एक हॉल बनाया जाए, यज्ञ स्थल बनाया जाए और मंदिर को पूर्ण किया जाए। तो उनके द्वारा पर्यटन मंडल द्वारा यहाँ पर ये एक छोटा सा हॉल, यज्ञ स्थल और मंदिर को पूर्ण करने में उनका बहुत योगदान रहा। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ लगातार सहयोग प्राप्त हो रही है। मस्त मलन रही थे मगन हावे निचट बपुरा। नाचत है नचावत है पिए है गांजा धतुरा। बड़े सौभाग्य की बात है, इस साल हमारे मंदिर का काम पूर्ण हो चुका है और हम सब ग्रामवासी मिलके इस कलश स्थापना को कर रहे हैं। सिद्धेश्वर धाम जारा में स्थित सिद्धेश्वर शिवलिंग के मंदिर को छत्तीसगढ़ के समस्त जन समुदाय तीर्थ मानता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
मनाएंगे, बोले कि नहीं माया पार है। हाथ में त्रिशूल सर्प की माला, जटा में गंगा की धार है। को मनाएंगे, भोले की नहीं माया पार है। हाथ में त्रिशूल सर्प की माला, जटा में गंगा की धार है।